पीसी से नंबर वाला मॉडल है, ये आपको प्रोसेसर मेमोरी मदरबोर्ड, इसके अलावा क्लच और कोर, कुछ और कंपोनेंट जैसे कि कीबोर्ड माउस ये एडिशनल होते हैं, ये सिस्टम के अंदर नहीं आते। ठीक है, सिस्टम जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रोसेसिंग के सारे काम करता है और सारी एक्चुअल कंप्यूटिंग होती है वो इसी के अंदर होती है। ठीक है, सीपीयू को हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो सिस्टम का एक पार्ट है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि ये मल्टी प्रोसेसर होता है और ये कंप्यूटर का ब्रेन है। अगर मेमोरी बस और डिस्क ड्राइव और साथ ही कुछ और पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, अब जो मेटल प्रोसेसर होता है उसको हम सीपीयू कहते हैं, क्योंकि एक्सेल कंप्यूटिंग करता है यदि दिए हुए कार्य में। ठीक है, और फिर उसे प्रोसेसिंग करने के बाद जो आउटपुट रिजल्ट आता है वो आपको शो करता है। ठीक है, तो सीपीयू यानी कि जो मेटल प्रोसेसर है ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन सारे कंप्यूटर यही करता है। आपको अपने लैपटॉप में अगर आप इंटरनेट के ऊपर प्रोसेसिंग यूज कर रहे हैं तो फिर कुछ स्टिकर लगा के होगा अपने डिवाइस में। इसके अलावा इंटेल इंटेल पेंटियम का बहुत रिकॉर्ड है, इंटेल पेंटियम थर्ड ये जो पैरिस ऑफ सीपीयू है, इसमें इंटेल पेंटियम फोर्थ। इसके अलावा दूसरे आते हैं वो आते हैं एएमडी सीरीज के, एएमडी रॉम और एएमडी डीरॉम और एएमडी रॉम, ये सब कुछ टाइप्स ऑफ सीपीयू है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है वो आती है मदरबोर्ड। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है वो आती है मदरबोर्ड,
मदरबोर्ड जो होता है वो एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जिसमें की बहुत सारी चीजें लगी हुई है, बहुत सारी वायर लगी हुई है, कुछ बोर्ड इलेक्ट्रिकल चीजें लगी हुई है, ये एक तरह की पूरा सर्किट है और जो डाटा आप इनपुट देते हैं और जो इंफॉर्मेशन आप आउटपुट में लेते हैं तो सारी यहाँ पर इंटरकी बोर्ड में टाइम एक छोटी बात है जिसे भी कहते हैं इसमें अलग चल रहा हूँ तो मदर बोर्ड है तुरंत वाली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें की बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, वायरिंग होती है, बहुत सारी मेट्रिक होती है, बहुत सारे पोर्ट्स पे लगी हुई है, बहुत सारे पोर्ट्स जुड़ी हुई है और इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल करती है फाइबर लाइन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्ड में ट्रेवल करती है। तो हम चलते हैं अपने लैब रूम में और देखते हैं मदरबोर्ड के बारे में थोड़ी और बेसिक डिटेल्स। तो ये हमारे सामने एक इमेज है मदरबोर्ड की जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे रैम लगी हुई है, रैम स्लॉट में कंप्यूटर फैन हमें दिख रहा है, इस कंप्यूटर फैन के नीचे माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि सारी कंप्यूटिंग करता है। साथ ही हमें दिख रही है एक सीमोस बैटरी, सर्कुलर बैटरी, इसका यूज किया है वो हम आगे जानेंगे। इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पे पेरिफेरल इंटीग्रेटेड डिवाइस के लिए कनेक्टर हैं बहुत सारे, जहाँ पे आप अपने कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन, हेडफोन लगाने के लिए आप उन्हें जोड़ते हैं। अगर हम साइड व्यू देखते हैं अपने मदरबोर्ड का तो इंटीग्रेटेड पेरिफेरल डिवाइस में हम PS2 पोर्ट हमें देखते हैं माउस और कीबोर्ड के लिए, सीरियल पोर्ट हमें दिखता है, VGA पोर्ट, USB पोर्ट हमें मिल जाते हैं 4 से 5, इथरनेट लैन पोर्ट जो कि काम आता है इंटरनेट के लिए, और साथ इसी के साथ ऑडियो पोर्ट जहाँ पे आप अपने हेडफोन माइक को जोड़ते हैं। अभी के लिए हम वापस चलेंगे अपने लेसन में मदरबोर्ड के, लेकिन आने वाले कुछ और शॉर्ट्स में, कुछ और वीडियोस में हम जानेंगे हर एक पोर्ट के बारे में। मदरबोर्ड जो होता है वो एक बहुत ही ज्यादा मेन सर्किट बोर्ड है कंप्यूटर का, जिसमें प्रोसेसर लगा होता है, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड, एक रैम, ये सब इससे अटैच होती है। और यानी जो आप एक्सटर्नल चीजें लगाते हैं एक्सटर्नल माउस, एक्सटर्नल कीबोर्ड और पेन ड्राइव और इसी तरह की बातें, पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस और आप उनको लगाते हैं यूएसबी पोर्ट से, पेरिफेरल पोर्ट से, वो भी इसी सर्किट बोर्ड से कनेक्ट होता है ताकि वो सारी हार्डवेयर कंपोनेंट्स और एचडीएल कंपोनेंट्स से वो सब चल पाए। यही वो एक मेन सर्किट बोर्ड है जो पूरे सिस्टम को चलाएगा, डाटा जो कि आप जो कि कंप्यूटर प्रोसेस करेगा इंफॉर्मेशन में, और वो डाटा जो कि कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, और वो डाटा जो कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करेगा, वो सारी प्रोसेसिंग, वो सारा डाटा ट्रांसफर टेलरली ये सर्किट बोर्ड में होता है विद द हेल्प ऑफ मेटल स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट व्हिच इज नोन एज बस। इसके बाद आता है रैम। मदरबोर्ड के बाद अब हम बात करते हैं एक अगले कंपोनेंट, इसके बाद आता है रैम। अब आते हैं इन सब चीजों को कोड में कवर कर चुके हैं, लेकिन आगे के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो जो सीपीयू पहला पार्ट था मदरबोर्ड, दूसरा फिर रैम, फिर आता है रोम, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, पावर लाइन,
इंटरनल स्पीकर एक्सपेंशन स्लॉट और लास्ट है सीमोस। एक बार कंप्यूटर टाइम फिट करने के बाद आप जब उसे ऑफ करते हैं और उसके बाद फिर जब उसे ऑन करते हैं तो उसमें टाइम हमेशा वही बज रहा होगा जो बजना चाहिए जो कि आपकी रिकॉर्ड सेटिंग के साथ चल रहा होगा। तो अब जब कंप्यूटर ऑफ था और हमने उसको ऑफ से ऑन किया आफ्टर सम आवर्स, तो सोचने वाली बात है कि हर मशीन को कैसे पता कि समय क्या हुआ है। तो ये सब कुछ बात करें सिस्टम के लिए अजीब आदमी रूप से कैसे करने की मोटर के पास। तो इस वीडियो का इतना ही, अगली कड़ी देखते रहिए मेमोरी डेडिकेशन करते चलिए। थैंक यू। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बॉडी सॉफ्टवेयर एंड टैग्स ऑफ द बॉडी। अगर इसके बारे में पहले हम अपने मॉड्यूल नंबर को पढ़ चुके हैं लेकिन यहां पे उसको थोड़ा याद करने की जरूरत है ताकि जो मेन डाउट है जो भी हो सके ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? अब ये कंप्यूटर बना होता है जो पार्ट है एक हार्डवेयर पार्ट और सॉफ्टवेयर पार्ट। तो सॉफ्टवेयर पार्ट वो वाला पार्ट है जिसे आप टच नहीं कर सकते लेकिन ये सेटअप इंटरफेस में बना होगा और वो पूरा फंक्शनली काम करे इसके लिए इस पार्ट का होना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आप सॉफ्टवेयर दो तरह के हो सकते हैं, एक डिजाइन कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर दूसरा डिजाइन कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी खास तरह के एप्लीकेशन को पूरा करने के लिए काम में आते हैं जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग अकाउंट और फाइनेंस एप्लीकेशन ठीक है। इसके अलावा मेडिकल एप्लीकेशन इसके अलावा और भी है एजुकेशन सॉफ्टवेयर बिजनेस सॉफ्टवेयर एवं एग्जाम्पल लेते हैं इसमें हम एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर ठीक है। ये सब हम देख पा सकते हैं एग्जाम्पल हो गया माइक्रोसॉफ्ट का वर्ल्ड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मेडिकल एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर है जैसे कि सिस्टम के अलावा ट्रांसलेटर इसके अलावा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूटिलिटी खास तरह की यूटिलिटी को सॉफ्ट सॉल्व करने के लिए बनाए गए हैं। अब एक और हम देखते हैं और हम कहेंगे डाटा कम्युनिकेशन
सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये एक तरह से दो बहुत ही सिस्टम एक्सेस, मेथड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मोड ऑफ सिस्टम एक्सेस, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम का कंफिगरेशन दिया गया है, जिसका हम इसके बारे में हम जानेंगे आगे। मेथड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मोड ऑफ सिस्टम एक्सेस, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ओएस का यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या किया है, इसके बारे में हम जानेंगे आज। नंबर वन क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि वो कंप्यूटर सिस्टम जो कि इतना कैपेबल है, इतने लाइक का है कि वो इंस्टेंटली जल्दी से आपने डाटा जो इनपुट किया उसको प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट शो कर दे इंस्टेंटली। यहाँ पे एक चीज जोड़ेंगे हम, एक शब्द जो बहुत जरूरी है, इंस्टेंटली, तुरंत, क्विक, ठीक है, उसे हम कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इन शॉर्ट। और किसके बारे में डिटेल में जानेंगे, हमारे कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो कि पूरे डेडिकेटेड कोर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, क्योंकि जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना पड़ सके तो हम डिटेल कवर करेंगे वहाँ पे, फिर ब्रीफ में लेकर चलेंगे ताकि आपको आइडिया रहे हर चीज का, और जिनका खास मन हो वो बाद में उस कोर्स की तरफ एनरोल कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या आता है, मल्टी एक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मल्टी एक्सिस ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी एक्सिस ऑपरेटिंग सिस्टम से हमें नाम से क्लियर हो रहा है कि मल्टी एक्सिस यानी कि मल्टीपल जो एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम जहाँ पे दो या दो से अधिक लोग रन कर सकते हैं साइमल्टेनियसली उस सिस्टम पे, और ये सिस्टम के रिसोर्सेज को इस्तेमाल में ले सकते हैं, अर्थात ही ये सिस्टम इतना कैपेबल है कि ये हर चलने वाले प्रोग्राम के लिए रिसोर्सेज को बैलेंस कर रहा है, उसे बैलेंस रखता है, और हर रनिंग प्रोग्राम अच्छे से चल पाए उस चीज को भी मेंटेन करता है, उसे हम कहेंगे मल्टी एक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। दो से अधिक लोग अगर एक्सेस कर सकते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम को साइमल्टेनियसली,
अपना प्रोग्राम रन करवा सकते हैं, प्रोग्राम आराम से इजीली रन कर पाए बिना किसी दिक्कत के। और सेपरेटली इसे हम कहेंगे मल्टी एक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम। अब है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें ऐसा ओएस लगा है जो बहुत सारे प्रोसेसर सपोर्ट करता है, हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम तब कहते हैं जब उसमें दो या दो से अधिक प्रोसेसर लगे होते हैं, ठीक है, तब वो कहलाता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल विंडोज 2000, लिनक्स, साथ ही यूनिक्स, ये कुछ एग्जाम्पल है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट आता है मल्टी टास्किंग, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो एक साथ ही बहुत सारे टास्क या फिर बहुत सारे प्रोग्राम को रन कर सकते हैं कॉन्करेंटली। वो करेंटली ये जो मैं वर्ड या इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ इनको नोट कर लेना, अगर तुम्हारे आंसर में मतलब एग्जाम के आंसरों में ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही नहीं होंगे तो शायद एग्जाम कर ले, तो शायद तुम नंबरों को लाइक कर दो क्योंकि जो टीचर टॉपिक चेक कर रहा होते हैं वो इस बात से मतलब नहीं है कि तुम्हें कितना तुमने कितना लिखा है, उनको मतलब इस बात से है कि तुम्हारे कंसेप्ट क्या थे और तुम्हारे कंसेप्ट जो है वो तुम्हारे जो तुम लिखोगे आंसर उसमें दिखेंगे, तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल अच्छे से करना, ठीक है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनमें आप एक साथ एक समय में कॉन्करेंटली दो तीन टास्क यानी दो तीन प्रोग्राम रन करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बाद बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आप सिंगल टास्क या फिर सिंगल यूजर सिंगल टास्क वाली संभावना चलती है। और ये कंप्यूटर इस तरह के हो जाएंगे कि एक सिंगल यूजर एक सिंगल वक्त पर एक सिंगल काम को अच्छे से कर पाए, ठीक है। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर दो सिस्टम विच आर डिजाइन टू मैनेज द कंप्यूटर सो दैट वन यूजर कैन इफेक्टिवली डू वन थिंग एट अ टाइम। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, एक यूजर उसे यूज कर सकता है एफिशिएंटली लेकिन वो मल्टीटास्क कर सकता है, ठीक है, यानी कि एक साथ कई प्रोग्राम को रन कर सकता है। उसके एग्जाम्पल होगा जैसे कि MS-DOS, MS-Windows, यूनिक्स और लिनक्स, ठीक है। अब सेकेंड जो हमारा सॉफ्टवेयर टाइप था वो था ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर ऐसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सेटअप इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं इंस्ट्रक्शन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपने लिखी है टू मशीन कोड जो मशीन समझ पाए, जैसे कि असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और अन्य यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जिनका हम एक नाम और रखते हैं इसे हम कहते हैं सर्विस प्रोग्राम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वैसे भी वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर को कुछ स्पेसिफिक सर्विस देते हैं और साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कैपेबिलिटी है उसे एनहांस कर देते हैं यानी कि उसे बढ़ा देते हैं। एग्जांपल क्या होंगे इसके, डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क क्लियर, बैकअप प्रोग्राम, डीबगर, वायरस स्कैन, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन एक्सेट्रा। अब इन सब के बाद हम पे एक सेकंड कैटेगरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, ठीक है, और ये होते हैं दो तरह के दोबारा से जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और दूसरा स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। स्पेशल पर्पस वाले सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जो किसी एक स्पेशल प्रॉब्लम कोई सॉल्व कर रहे हैं उसी के लिए डेडिकेटेड है, लेकिन जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं ऐसे जिन्हें आप जनरली यूज कर सकते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम को हम जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर बोलेंगे,
पॉइंट जो अक्सर आप एमएस के अंदर देखते हो, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इन सब के अलावा कुछ और भी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें हम जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं, और हम देखेंगे कि अगर क्या क्या है वो सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर कौन कौन से होंगे, एक हो गया स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक हो गया वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या फिर वर्ड प्रोसेसर, कंप्यूटर ग्राफिक्स, मैंने पहले कहा था प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, बैंकिंग और अकाउंटिंग, डेटाबेस पैकेज, इसके अलावा रिपोर्ट जनरेटर सॉफ्टवेयर, और ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको रिपोर्ट्स बनाने में हेल्प करते हैं, और भी है लेकिन हम सबके नाम खबर खबर करना मुमकिन नहीं होगा। आप इसके लिए अगर आपको जानना है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट मीडिया यानी कि किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को कहने के लिए या उसे दर्शाने के लिए हम डिफरेंट मीडियम से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन, एक तरह की प्रेजेंटेशन मीडियम है जो डाटा को या फिर किसी तरह की इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट या फिर कहने के लिए यूज में लिया जाता है। अब जब किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को करने के लिए आपको इनमें से किसी एक प्रेजेंटेशन मीडियम का या फिर एक साथ दो तीन चार या अधिक प्रेजेंटेशन मीडियम का इस्तेमाल करना होता है ताकि आप इंफॉर्मेशन को शो कर पाए, उसके लिए हम उस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, मल्टी मीडिया इंफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट वन इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर मल्टी मीडिया सिस्टम डेवलप कर पाए उसके लिए आपको कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट चाहिए होंगे, ग्राफिक एक्सेलरेटर कार्ड, सीडी हार्ड ड्राइव, कैमरा, साउंड कार्ड, माइक्रोफोन और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। तो हमने जाना कि मल्टीमीडिया क्या होता है, किस तरह के इंफॉर्मेशन को मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन कह रहे हैं, हमने ये भी जाना कि कौन कौन से हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो मल्टीमीडिया को रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया की, और एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया आर सेम जस्ट लाइक बिफोर टेक्स्ट पिक्चर या फिर इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इसके साथ ऑडियो को आप साउंड भी बोल सकते हैं और पिक्चर या इमेज को आप ग्राफिक्स भी बोल सकते हैं।
मल्टीमीडिया हो जाएगा। मल्टीमीडिया के यूज बहुत सारे हैं, एंटरटेनमेंट में, ठीक है, एजुकेशन या फिर ट्रेनिंग में, जैसे अभी आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग, ठीक है, बिजनेस यहाँ पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है मल्टीमीडिया का, बिजनेस करने के लिए, बिजनेस रिपोर्ट बनाने के लिए, बिजनेस डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ठीक है, यानी कि मेडिकल फील्ड में हमारे बहुत यूज में आती है मल्टीमीडिया का। फिर हम एक ऑप्शन होगा साइंटिफिक रिसर्च, जहाँ पे मल्टीमीडिया का यूज अक्सर देखने को मिलेगा, आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि आज के डेट में डाटा या इन्फॉर्मेशन को कहने का जो तरीका हो रहा है आपका, जिसके मध्यम से उसे प्रेजेंट करते हैं हम, उसे ही मल्टीमीडिया बोलते हैं। मल्टीमीडिया के जो हमने पढ़े उनमें से आप किसी भी एक प्रेजेंटेशन एलिमेंट की हेल्प से या फिर बहुत सारे प्रेजेंटेशन एलिमेंट की कॉम्बिनेशन की हेल्प से जब कोई इन्फॉर्मेशन शो करते हैं या कुछ प्ले करते हैं, यानी जब दिखाते हैं या दर्शाते हैं या कहते हैं, तब हम जो चीजों का मल्टीमीडिया फाइल्स या मल्टीमीडिया बोलते हैं। ओके, तो मल्टीमीडिया के बारे में इतना ही, और अगली वीडियो में जानेंगे किसी और चीज के बारे में। तब तक के लिए देखना ना भूलिएगा जनरल इंटेलिजेंस, पढ़ते रहिए कंप्यूटर का या जनरल इंटेलिजेंस के साथ, फ्री कोर्स बोल दीजिए, आसान तरह में किसी कोर्स की बुक चाहिए हो ताकि आप मेरे इंटरेस्ट भी पढ़ पाए, तो आप हमें उस बुक के रिगार्डिंग मेल कर सकते हैं और आपको वो बुक दो दिन के अंदर तुरंत मिल जाए, के अंदर मेल पे भेज दी जाएगी, जैसा कि हम भेजते हुए आज। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, जब आ गया।